हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से नई डिजाइन के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने दो कलर की वूल ली है। एक मैंने इसमें वाइट कलर लिया है और एक मैंने इसमें ये बादामी कलर लिया है। तीन प्लाई वाली वूल ली है और एक मैंने सिंपल वूल लिया है और 9 नंबर के फ्रेंड मैंने सिलाई लिए हैं। तो जिस तरह से फंदे डालते हैं उसी तरह हम फंदे डालेंगे। एक इस तरह से फंदा बनाएंगे, ये देखो, और इसको सिलाई में डाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ से फंदे डालना स्टार्ट करेंगे। एक, तो इसको टाइट रखना है, इससे फंदे बनाएंगे इस वाली वूल से। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। तो मैं इसमें 20 फंदे डाल लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मैंने इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं और सिंपल फंदे डाले हैं। तो देखो फ्रेंड, हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर हम 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना बता रहे हैं। तो 3 से 4 नंबर के इजीली आ जाएगी। तो 3 की तो ये आएगी, 4 को भी आप बना सकते हो। तो 20 फंदे डालने के बाद अब हम यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर हम जिस तरह से स्वेटर में बनाते हैं उसी तरह हम बॉर्डर बनाएंगे। पहले फंदे को एक को उल्टा बनाएंगे, फिर वूल पीछे करके एक फंदे को सीधा बना लेंगे, ये देखो। फिर वूल आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर वूल पीछे करके एक फंदा सीधा, वूल आगे करके एक फंदा उल्टा, वूल पीछे करेंगे एक फंदा सीधा, वूल आगे करेंगे एक फंदा उल्टा, वूल पीछे करके एक फंदा सीधा। इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पूरी सिलाई का हम बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, आगे फिर आपको दिखाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने दो सिलाई का बॉर्डर बनाया है, एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से, ठीक है। ये देखो, जिस तरह से स्वेटर में बॉर्डर डालते हैं उसी तरह हमने इस में बॉर्डर डाल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। तो किस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ठीक है, वूल को पीछे कर देंगे। पहले हमने इस फंदे को सीधा बना लिया, फिर वूल आगे करके इस फंदे को उल्टा भी बना दिया, फंदा हमारा बढ़ चुका है। फिर वूल पीछे करेंगे, सीधा बनाया, वूल आगे करके उल्टा बना लिया, फंदा हमारा बढ़ चुका है। सीधा बनाया, वूल आगे करके उल्टा बना दिया, फिर वूल पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे, वूल आगे करके उल्टा बना देंगे, फंदा बढ़ गया है। इसी तरह हम पूरी सिलाई पे फंदा बनाएंगे, ये देखो। फिर वूल पीछे करेंगे, सीधा बनाया, वूल आगे करके उल्टा बनाया, फिर वूल पीछे करेंगे, सीधा बनाया, वूल आगे करके उल्टा बना दिया, फिर वूल पीछे करेंगे, सीधा बनाया, वूल आगे करके उल्टा बना दिया। इसी तरह हम पूरी सिलाई को बना लेते हैं फंदे बढ़ाते हुए। लास्ट का फंदा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, तो उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, मैं पूरी सिलाई को उल्टा बना लेती हूँ, पूरी सिलाई। ये देखो, हमने पूरी सिलाई को उल्टा बना लिया है। अब हम पलटते हुए सीधी सिलाई पे आ जाओ, ये देखो। तो सीधी सिलाई पे हमने यहाँ से पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक, दो, दो फंदे सीधे बनाए, तीसरे पे फंदा बढ़ाएंगे, जिस तरह से
पहले बढ़ाए थे पहली सिलाई में, उसी तरह हम दूसरी सिलाई में भी फंदे बढ़ा लेते हैं। एक दो, दो फंदे सीधे बनाए, तीसरे पे फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखो इस तरह से। फिर हम दो सिलाई वूल पीछे करके दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो, तीसरे पे फंदा बढ़ा लेंगे। सीधा बनाया, वूल आगे करके उल्टा बना दिया, फंदा हमारा बढ़ चुका है। इसी तरह पूरी सिलाई को बना लेते हैं फंदे बढ़ाते हुए। ये देखो दो फंदे सीधे बनाए और तीसरे पे हमने फंदा बढ़ा लिया, ठीक है। और लास्ट का फंदा है, इसको सीधा बना देंगे। अब की इसकी उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना, पूरी सिलाई को उल्टा बना लिया है। ये अब हमारी सीधी सिलाई है, जो हमारी चौथी सिलाई है। दो का हमने बॉर्डर बनाया, दो पे हमने फंदे बढ़ाए, ठीक है। अब हमारी ये पांचवी सिलाई है, जो हमने चार सिलाई बना ली है। पांचवी सिलाई को हमने पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ से सीधी सीधी सिलाई बनानी है, और सीधी साइड से सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टी। तो मैं इसी तरह तीन सिलाई बना लेती हूँ सीधी साइड से, और तीन हम उल्टी साइड से। फिर आगे के हम बाजू घटाएंगे, ठीक है। मैं इसी तरह तीन सीधी साइड से और तीन उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने तीन सिलाई सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। तो अब हम उल्टी सिलाई पे हैं, जो हम कंधे के लिए फंदे घटाएंगे बनाएंगे और बाजू के लिए फंदे घटाएंगे। तो एक उल्टी साइड से हमने पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। तो देखो फ्रेंड, हमने फंदे बढ़ा लिए थे और दो सिलाई फंदे बढ़ाए थे दो सिलाई पे, और तीसरी हमने सीधी सीधी बनाई है। अब हमने तीन सिलाई बना ली है और तीन हमने उल्टी साइड की उल्टी बना ली है। छः सिलाई बनाने के बाद अब हम अपना यहाँ से फिर से वाइट कलर को लगाएंगे। तो पहले हमने एक फंदा वाइट का बना लेना है, एक। अब हम आगे के तो देखो फ्रेंड, हमने तीन सिलाई बनाई है सीधी साइड से, जिस पे दो सिलाइयों पे हमने फंदे बढ़ाए हैं। ये देखो दो सिलाई पे फंदे बढ़ाए, तीसरी को हमने सीधा सीधा बनाया। तो तीन तो हमारी सीधी साइड की हो गई और तीन हमारी उल्टी साइड की उल्टी हो गई, मिला के हमारी छह सिलाई बना ली है। अब हम यहाँ से डिजाइन डालेंगे। तो पहले हमने डिजाइन डालने के पहले सात फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ और सात, सात फंदे बना लिए। अब हम यहाँ से कलर वाइट कलर को लगाएंगे, फिर से एक फंदा हम वाइट कलर से लेंगे, फिर हम आगे के सात फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, ठीक है। फिर से हम अपना वाइट कलर को लगाएंगे, ये देखो फिर से सात फंदे हम, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है। सात फंदे बना लिए। अब हम फिर से अपना वाइट कलर को लगाएंगे, एक एक फंदा वाइट कलर से, फिर सात फंदे बना लेंगे, एक दो
चार, पाँच, छ, सात, फिर हमारा एक फंदा ये वाइड से बना गया। इसी तरह हम पूरी सिलाई को बना लेते हैं आगे तक। तो पूरी सिलाई बना ली है, एक फंदा वाइड का और सात फंदे हमारे। अब हम सीधी सिलाई पे आ चुके हैं, जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे। वाइट वाला फंदा वाइट से बना लेंगे। तो जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना के इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमारा वाइट वाला फंदा आ चुका है, इसे हम वाइट से बनाएंगे। ये देखो, इसी तरह पूरी सिलाई को बना के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, हमने जो फंदा जिस कलर का है उस कलर से बना के कंप्लीट कर लिया है सीधी सिलाई को। अब हम उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं। ये देखो, ये देखो, एक दूसरी सिलाई है डिजाइन वाली, दो, तीन, चार, पाँच, छ। अब ये हमारा सातवां फंदा है, इसको हम वाइट से बनाएंगे, जो हमारा सातवां फंदा है, और वाइट वाले को वाइट से ही बना लेंगे। ठीक है, अब ये एक आगे का बना लेंगे। तो अब हमारे वाइट के तीन फंदे हो गए। अब हमारे आगे के एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे बनाएंगे हम दूसरी सिलाई पे। पांच फंदे हम, अब ये छठा फंदा है इसको हम वाइट से बना देंगे, और वाइट वाला फंदा है इसे भी हम वाइट से बनाएंगे, और एक आगे से ले लेंगे वाइट। तो हमारे ये तीन फंदे वाइट के हो गए। ये देखो, फिर हम आगे के एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे बनाए, छठे को हम वाइट से बना देंगे। ये देखो, वाइट वाले को वाइट से ही बनाएंगे, एक आगे से बना लेंगे। तो हमारे तीन फंदे हुए। जो वाइट वाला हमारा पहले था वो बीच में रहेगा, दोनों साइड से एक एक बना लेंगे, एक इधर का, एक इधर का। ठीक है, फिर हम आगे के पांच फंदे फिर बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, एक फंदा हम इधर का लेंगे और एक फंदा हम इधर का लेंगे वाइट का। तो ये हम वाइट से बना लेंगे। ये देखो, एक और एक, ये वाइट वाला वाइट से ही बनाएंगे, एक आगे का बना लेंगे। तो ये हमारे तीन फंदे हो। ठीक है, इसी तरह हम पूरी सिलाई को बनाएंगे। ये देखो, पांच फंदे हम बनाए, छठे फंदे को हम वाइट से बनाएंगे, ये वाइट वाला वाइट से बना लेंगे और एक आगे का बना लेंगे। तो ये हमारे तीन फंदे हो गए। अब ये हम पांच फंदे फिर से, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब ये छठे फंदे को हम व्हाइट कलर से बनाएंगे, ये व्हाइट वाले को व्हाइट से ही बना लेंगे, एक आगे से बना लेंगे। ठीक है, अब हम ये देखो बेस कलर वाला इसी से बना लेंगे। अब हमने दूसरी सिलाई को भी बना लिया है इसी तरह। तो अब हमारे व्हाइट के तीन तीन फंदे हुए। इसी तरह हमारे आगे के फिर एक इधर से लेंगे, एक इधर से। तो ये अब हमारे तीन हैं, फिर हमारे पांच हो जाएंगे वाइट वाले।
इसी तरह दोनों साइड से एक एक फंदा ले लेंगे तो दोनों साइड के हमारे पांच फंदे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सीधी सिलाई को पहले सीधा बनाएंगे। अब सीधी सिलाई को कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना देंगे। वाइट वाले फंदे वाइट से बना लेंगे और ये देखो बेस कलर वाला फंद जो है उन्हें बेस कलर से बनाएंगे। ठीक है, ये देखो अब वाइट वाले आ चुके हैं, इन्हें हम वाइट से बना लेंगे। तो सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरी सिलाई को, फिर उल्टी सिलाई पे हम फिर से दिखाएंगे। तो देखो फ्रेंड, सीधी सिलाई पे जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से हमने बना लिया है पूरी सिलाई को। अब हम फिर से उल्टी सिलाई पे हैं, ये देखो तो फिर से हम उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं। तो एक दो तीन चार पाँच, ये छठा फंदा है, इसको हम शुरू में हमारे छह रहेंगे, आगे के हमारे कुल चार चार फंदे रहेंगे। तो अब हमारे एक फंदा हमने वाइट्स का इधर से बना लिया है, अब ये एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच फंदे हमारे वाइट के हो गए। ठीक है, अब हम आगे के एक दो तीन, तीन फंदे हमारे ये देखो, अब हम चौथे फंदे को वाइट से बना लेंगे, एक दो तीन चार चार और पांच, पांच फंदे हमारे वाइट के हो गए। ठीक है, अब पांच पांच फंदे हमारे वाइट के रहेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे तो हमारे बीस बेस कलर के रहेंगे। अब ये हमारा एक फंदा जो है इसे हम वाइट से बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक फंदा इधर से ले रहे हैं, एक फंदा इधर से। अब हम फिर से एक दो तीन, तीन फंदे ये चौथे को हम ये देखो वाइट कलर से, तो एक फंदा हमारा वाइट का एक इधर से लेंगे और एक फंदा इस वाले में से, तो एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हो चुके हैं। इसी तरह हम पूरी सिलाई को बनाएंगे, तो ये देखो हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा। तो एक फंदा हमारा यहाँ रहेगा, एक फंदा ये दोनों है, इनको हम सात सात फंदे हमारे रह होंगे ये वाइट कलर के, एक एक फंदा हमारा ये बेस कलर वाला रहेगा। इसी तरह हम डिजाइन को बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं आगे तक, फिर आपको आगे दिखाएंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने ये देखो डिजाइन को बनाने के बाद तीन सिलाई हमने उल्टी उल्टी सीधी साइड से बनाई है, ये देखो तो तीन सिलाई मेरी सीधी साइड से उल्टी है और उल्टी साइड से भी उल्टी बनाई है। उसके बाद हमने पांच पांच फंदों के कंगूरे बनाए हैं, ये देखो पांच पांच फंदों के मैंने इसमें कंगूरे बनाए हैं, ये देखो। तो देखो फ्रेंड, ड्रेस बनके कंप्लीट है कंगूरे बनाने के बाद। अब हमने इसकी यहां से सिलाई करेंगे जहां से हमने घेरे में फंदे बढ़ाए थे, ये देखो यहां से हमने घेरा बनाना स्टार्ट किया है, यहीं से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से इसको उल्टा करेंगे, ये देखो, और इसी वूल में हमने एक्स्ट्रा वूल को रखा है जिसमें हमने नीडल को डालेंगे, ये देखो हमने इसमें नीडल को डाल लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे जहां से हम ये देखो इस तरह से इसको पकड़ लेंगे दोनों को, और इसी एक एक चेन में डालते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे।
तो देखो फ्रेंड, हमने इसकी सिलाई कर ली है। ये देखो, यहाँ नॉट्स लगा दी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखो, तो देखो फ्रेंड, ड्रेस बनके कंप्लीट है। अब हम इसमें स्टोन लगाएंगे। तो मैंने ये व्हाइट कलर के ही स्टोन लिए हैं। इसे हमने एक एक को इस तरह से इसमें लगाएंगे। आप इसे फेविगन से या फेविकॉल से भी इसे लगा सकते हो। तो देखो फ्रेंड, हमने सारे इसमें एक एक कली पे हमने स्टोन को लगा दिया है फेविकॉल से। तो फ्रेंड देखो, कान्हा जी की ड्रेस बनके कंप्लीट है। तो फ्रेंड, आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।